जयकारे ज्वालामिला का। तक विज्ञानी के पता नहीं लगा पाए। तो फिलहाल जा रहे हैं हम कुरुक्षेत्र जंक्शन पे, तो वहां से मेरी ट्रेन है। बाकी नीलोगिरी से कोई ट्रेन थी नहीं क्योंकि हमारा छोटा शहर है। बट हमारा प्लान एक तो सर्टेन नहीं होता, हम कल बैठे थे दीदी और आज मेरा प्लान बन गया। देखो माता रानी ने कैसे प्लान बनवा दिया। बाकी अब हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र गाड़ी से, तो कुरुक्षेत्र हम पार्क करेंगे अपनी गाड़ी और वहां से हमारी ट्रेन है जो कि पूरी बुक है स्लीपर क्लास। तो माता रानी की मतलब हमारा कोई प्लान नहीं था, ऐसे भी हमने जाना है, बस सिर्फ हम सोच रहे थे और एकदम प्लान बन गया हमारा। स्टेशन पे आप आते हैं, आपको कहीं भी कुरुक्षेत्र में पार्किंग नहीं मिलेगी अगर आप कार पे आते हैं। अगर आपने यहाँ से ट्रेन है तो रात को आप नीलोगिरी या कहीं और शहर से आते हैं, तो अगर आपको पार्किंग जाननी है तो आपको परेशान नहीं होना है। बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन से दो दुकानें इधर आकर और इधर आप गली मुड़ेंगे तो यहाँ पर कौशिक पार्किंग स्टैंड है जो कि आपको बहुत ही जेन्युइन रेट्स पे पार्किंग प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें से कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि जो भी है मंथली का भी इन्होंने दिया हुआ है और 24 घंटे का कार का, तो 100 रुपये का जायज है और बढ़िया पार्किंग, सेफ पार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो अभी इसके बाद हम ट्रेन पे चलते हैं बैग बुक उठा के। तो ये पार्किंग आप लोग ध्यान में जरूर रखें आप जब भी आएंगे। कुरुक्षेत्र जंक्शन हम पहुँच चुके हैं और ये हमारे यहाँ के कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन का एक नवा रूम। अभी से देख कर लग रहा होगा कि बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है। इवन रात का समय है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, मेरा कैमरा के ऊपर एक रथ भी बनाया हुआ है। क्षेत्र में श्री कृष्ण जी के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के रिलेशन में यहाँ पर रथ भी बनाया गया ऊपर। तो अभी कितना सुंदर हमारा ये बना दिया है, फौरन जैसी फीलिंग आ रही है कनाडा वाली है ना, बहुत अच्छा लगा। हमारा रेलवे स्टेशन बड़ा खूबसूरत है। तो मेरा परिवार कहाँ गया? तो कुरुक्षेत्र जंक्शन बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन ये है और सुबह सुबह बहुत ही सुनसान पड़ा है और हवा चल रही है, बहुत अच्छी फीलिंग्स जो है वाइब्स आ रही हैं। ये हमारी फैमिली, ये हमारी जो फैमिली की ना वो है, कौन है तू? पता नहीं। व्लॉगिंग मैं करता हूँ और एक दूसरा व्लॉगर यहाँ लगा हुआ है, मतलब हम पूरे सारे व्लॉगर हैं। ऐसा नहीं था कि हम पहले व्लॉगर नहीं थे फिर व्लॉगर बने, नहीं हम शुरू से व्लॉगर हैं। तो यार स्टेशन पे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, फोटो को यार हमारी ट्रेन ही आ गई, तो चलो चलो यार बैठो यार। हम ट्रेन में आ गए हैं बट सीट्स में काफ़ी कंफ्यूजन हो गया, बट फिर भी हम बैठ चुके हैं अब सारे और नीचे वो बैठ गए और मैं ऊपर चढ़ गया। मैं ऊपर इसलिए चढ़ा क्योंकि यहाँ पे चार्जर है। बाकी ओवरऑल अब यार सीधा रास्ते में जाके दिखाएंगे आपको जो भी होता है। अम्बाला रुकेगी अब इसके बाद और सीधा उसके बाद आम मंदोरा स्टेशन है जो कि ऊना के बाद आता है और अनंतपुर साहिब से होती हुई जाएगी, नंगल डैम से भी होती हुई जाएगी। जो भी व्यूज़ होंगे वो दिखाते रहेंगे, बट अभी यार थोड़ी देर अब रेस्ट करते हैं, मुझे तो काम भी करना है। आया था तो एक बार के लिए तो सारे डर गए, मतलब टिकट्स वगैरह, क्योंकि यार हम बुक तो जनरली में करता रहता हूँ बट फिर भी होता है ना, कंफर्म तो है फिर भी यही है कि नहीं जो भी था टिकट आया तो राहुल रावल ये हमें कन्फर्म टिकट्स है। सो हम रिलैक्स हैं और ये हम जैसे मर्जी लेट लोट पोट हो सकते हैं, वो देख लो फैल रही है। हमारी ट्रेन जो है वो हमारी सीट्स कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन कितने की है? 5:22 की ट्रेन है और हमें मतलब रह तो 10-15 मिनट गए हैं ना, लेकिन हम कहते हैं ना भारतीय हैं तो अंदर कीड़े लड़ते रहते हैं, ये नहीं है। तो हम कहते हैं ना भारतीय हैं और कीड़े लड़ते रहते, तो हम एक सीट पे बैठ नहीं भाई, इसलिए हम उतर के आ गए। अभी चलो सीट तो कन्फर्म है, तो अभी फोटो खींचते हैं तो फिर आगे जाके आपको दिखाएंगे। अभी अब रेस्ट है बस, अब मैं कुछ नहीं दिखा रहा। चलो जल्दी चलो यार, तो चलने वाली ट्रेन यार, चल गई। बाय बाय कर दो यार, बाय बाय। सुबह हो चुकी है और चंडीगढ़ हम पहुंच चुके हैं, हालांकि फ़ोन बाहर नहीं करना चाहिए, खिड़की से खींच लेते हैं यार, मेरे को अभी महंगा सॉरी थोड़ा फ्लो में आ जाता हूँ। सो हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ जंक्शन। अभी हमारे को कम से कम 3-3.5 घंटे का रास्ता और रह गया। यार मुर्गो पर छोड़ के तुम यहाँ पे मेरे उतार दिया। वो अब जो स्टेशन आ गया हमारे स्टेशन के बीच में से एक है, वो है नंगल डैम। हमने बहुत सुना होगा बाखड़ा नंगल डैम, हमारे अगर करनाल साइड की बात करें तो वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इसी डैम से होती है। तो अभी मतलब पूरा डैम दिखाई देगा, तो अभी आपको डैम के ऊपर से भी लेके जाएंगे। फिलहाल अभी स्टेशन आया आपका, तस्वीरें लेस के पैकेट के लिए हुई लड़ाई काली ब्रांड के लिए। नंगल डैम ये हमारे सामने इस समय है,
इसका पूरा नजारा शायद ये देखो, ये पानी ऐसे यहीं से आएगा, पानी से बचा गया यार, कभी फोन गिर जाए साला मिलना ही नहीं है। ये नंगल डैम है, आप देख सकते हैं यार सारा। ये देखो नंगल डैम, ये पानी यहाँ से गिरता नीचे यार, सारे हरियाणा की मतलब अपने साइड की यहीं से बिजली जाती है। तो नंगल डैम का व्यू था, पहुंच गए हम लोग आम अंदौरा। यहाँ से अब ज्वाला मिया का रास्ता जो है, ज्वाला देवी का जो रास्ता है, ज्वालामुखी का जो रास्ता है, वो यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर के अराउंड है। ज्वाला जी कितनी दूर है? 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर ज्वाला जी है, यानी कि अभी घंटे का रास्ता, 1.5 घंटे का रास्ता और है। ये आम अंदौरा है जहाँ पे लास्ट स्टेशन है, इसके बाद तो शायद जाती ही नहीं है आगे, ये थोड़ा सा और जाती होगी। तो अभी हम चलते हैं, फिर देखते हैं, आपको दिखाते हैं ज्वाला जी। हमने अब कैब कर ली है और ये हमें ज्वाला जी ले जाएगी। ले जाओगे भैया? जय माता दी। जय माता, दोपहर 3 बजे के निकले हुए हैं और अब पहुंचे हैं लगभग दोपहर के सुबह 3 बजे के निकले और दोपहर के 3 बज चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं, देख के यार, देख के ज्वाला जी फाइनली हम पहुंच गए यार। जय माता दी। और ज्वाला जी, ज्वाला मैया के दरबार पे हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा बस ऊपर चढ़ाई कर कर अपना माथा टेक कर आएंगे ज्वाला जी माता प्रवेश, तो फिर आपको दिखाते हैं अंदर का सारा जो भी दरबार बना हुआ है। बिल्कुल सामने से ही जो ज्वाला मियाँ का जो दरबार है वो शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट। ये सारा बाजार है और चढ़ाई है ऊपर, जो मेन दरबार है ऊपर है, बट सारा ऑलमोस्ट बाजार यहाँ पर देखिए, पूरे जितना भी रास्ता आप थोड़े से चढ़ाई है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है यहाँ पे, सारा ऑलमोस्ट प्लेन एरिया ही है, बट ऊपर तक जाते में आपको सारा बाज़ार दिखेगा जहाँ पर आपको सुंदर सुंदर चीज़ें भी मिल जाएंगे प्रसाद के लिए। ज़्यादातर दुकानें प्रसाद की हैं, खाने पीने के रिलेटेड भी हैं। तो आप बाकी ऊपर चल के दिखाते हैं, बैग है भी नहीं जा रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ से जो है मेन दरबार शुरू हो जाता है, बट उससे पहले आपके हाथ में जो बैग होता है या कुछ भी होता है, आपने मुँह हाथ धोना है, तो सभी दुकानें, जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर, सभी वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि आपका सामान जो एक जगह पर रखवा देती हैं, आपके जूते चप्पल एक जगह पर रखवा देती हैं, और बदले में उनका कुछ या तो छोटा 10-20 रुपये 30 रुपये चार्ज होता है, नहीं तो वो आपको, आप प्रसाद ले लेंगे तो बात एक ही है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जमा करवा दिया, फोन वगैरह भी चार्ज किया यहाँ से, अब देखो सारे लगे हुए हैं, कभी घूमे करते हैं, अभी सीधा आप यहाँ से हम जाएंगे माता रानी के पास। होता ये हमारे तो हम मतलब कितनी बार भी आते तो मिल जाते हैं, मंदिर देखो कैसे लगा हुआ है। जितनी बार भी आते हैं मेन चढ़ाई से, एक जो यहाँ पे कोने पे दुकान है, यहाँ पर सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, हमें बहुत अच्छा कोऑपरेटिव नेचर है और हर तरह का प्रसाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा अच्छे से, मतलब हर तरह की यहाँ पे टोकरी है, 200, 250, 150। तो मैं अकेले के हिसाब से एक ले रहा हूँ छोटी वाली, तो बाकी आप अपने परिवार के हिसाब से ले सकते हैं, जितने मेंबर्स हैं आप उतनी बड़ी ले सकते हैं, या जैसे भी आपकी जो श्रद्धा है उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। असली चढ़ाई का जो सफ़र शुरू होता है माता रानी के दरबार का, वो यहाँ से होता है, आपका सीढ़ियों का सफ़र शुरू होता है। आगे शायद फोटोग्राफी बंद कर देंगे, तो मैं जो से होगा कर करके दिखाता रहूँगा, बट यहाँ बंद कर दूँगा, यहाँ से सीधा दरबार की दिखा पाऊँगा, आगे खड़े हैं पुलिस वाले। जय मां भाई, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ मास्क के बिना एंट्री नहीं है, लेकिन फिलहाल उन्होंने जाने दिया क्योंकि ऑलमोस्ट फैमिली पे दीदी ने चुन्नी पाई हुई है, मैंने हैंकी और बच्चों ने भी पाया हुआ, तो जीजू को जाने दिया, बट मास्क अपना लेकर आए। तो ये मुख्य द्वार है शक्तिपीठ जी का, श्री ज्वाला जी ज्वाला मैया का जो मंदिर है उसका मुख्य द्वार है। जय माता दी। ये ज्वाला मियाँ का ये मंदिर है, ये सारा पूरा दरबार माम भाई का सजा हुआ है। जय ज्वाला मियाँ। यहाँ से लाइन जो है वो शुरू हो जाती है, ये मुख्य मंदिर, ये मेन मंदिर है, ये लाइन में सब लगे हैं, ज्वाला मियाँ का मेन मंदिर वहाँ है।
जय माता दी। महारानी ने निकाल दिया है, अभी हमें तक समझ नहीं आया कि कैसे माता रानी ने हमें आसानी से एक लाइन में से निकाल दिया, जबकि दूसरी लाइन से हमारे से अभी बहुत पीछे है। पता ही नहीं चला माता रानी ने कैसे एकदम ही सबसे आगे ले। तो मैं कैमरा बंद करता हूँ, आगे जाके दिखाऊंगा जो मेन चीजें होंगी। बोलो जय माता दी। जब मामा की कृपा हो तो टॉप पर ले जाती है एकदम। तो हमारी पूरी पूरी मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट फिर भी महारानी एकदम सबसे आगे ले आई। मतलब 2-3 घंटे का सफर ही बच गया। जय माता दी। इतनी बड़ी भीड़ हमारी जो बच गई और हम सीधी मेन एंट्री में ही पहुँच गए हैं। देख लो मामा जी का, बस 2-3 घंटे से खड़े, उनका नंबर नहीं आया, और जो 3 मिनट में आई मामा जी, जब ले आई तो 3 मिनट में ले आई। एक बार ही बोलो दीदी, एक बार ही बोलो। जय करो, जय करो ज्वाला मैया का। जो बहुत ही पास है ज्वाला जो मुख्य दरबार है वो यही है। इसके बाद ऊपर जो है वो गोरख की भी है, वो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, वहाँ भी आपको लिखा हुआ, वहाँ सब कुछ दिखाऊंगा। और भी यहाँ पर अकबर द्वारा जो छत्र चढ़ाया था वो वहाँ रखा हुआ, वो भी दिखाएंगे सारा। जय माँ। जगह जहाँ पर महामाई को जब अकबर ने छत्र चढ़ाया था अपना घमंड दिखाने कि मतलब पैसा दिखाया, तो महामाई ने उसका छत्र ठुकरा दिया था, जिस कारण से उसने सोने का छत्र चढ़ाया था, लेकिन वो किसी भी धातु का, किसी भी मैटर का नहीं रहा। मैटर होते हैं ना सोना, गोल्ड, चांदी, ये सब, पर वो किसी भी नया आज तक साइंटिस्ट बता नहीं पाए कि वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो ये सब महामाई की माया है, लीला है। महामाई के दर्शन करने लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, आपको छत्र भी दिखाते हैं। जब तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि ये छत्र किस धातु का बना हुआ है, किस मैटर का बना हुआ है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं आप जो होल हुआ होगा, ये सैंपल्स लिए। मैया की आपको छोटी सी कथा, एक छोटा सा एक पार्ट मैं बताने लगा हूँ। ज्वाला मैया की जब जोत जलती थी, एक ध्यानु भगत होते थे, तो ध्यानु भगत जब मतलब ज्वाला मैया के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उसी में से एक कठिनाई थी बादशाह अकबर ने उन्हें रोक लिया। तो बादशाह अकबर के रोके जाने के बाद, जब बादशाह अकबर ने उन्हें रोक लिया वहाँ पर ध्यानु भगत को, कि तुम माता रानी के दर्शन करने नहीं जा सकते, तुम्हें उनका प्रमाण देना होगा कि माता रानी में कितनी शक्ति है। तो उन्होंने क्या किया, ध्यानु भगत के जो घोड़ा था, घोड़े का धड़ से अलग कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी माँ में शक्ति होगी तो कह देना कि इस घोड़े को जोड़ के देखो। तो वो वहाँ पर गया, माता रानी के दरबार में गया, और वहाँ पर माता रानी को कहा कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया, मुझे प्रमाण देना होगा। तो महारानी ने उनकी लाज रखी और उस घोड़े को वापस से जिंदा मतलब जीवित कर दिया, मृत घोड़े को जीवित कर दिया। और इसी को देखकर, इसी चमत्कार को देखकर बादशाह अकबर रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ एक तरह से भी माता रानी का भक्त बन गया, और जाकर माता रानी को, क्योंकि पैसे वाला था बादशाह, शहनशाह था, जाकर माता रानी को पैसे का सोने का छत्र बनवाया। सोना आप सभी जानते हैं, सोना, गोल्ड का छत्र बनवाया, और गोल्ड का छत्र ले जाकर माता रानी के कदमों में रख दिया कि महारानी मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ, इसको स्वीकार करो। और महारानी की ऐसी कृपा कि वो छत्र आज भी यहाँ पर पड़ा है, और ये छत्र ना तो किसी सोने का है, ना ही किसी चांदी का है, ना ही किसी पित्तल का है, ना ही किसी लोहे का है। आज तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि ये छत्र किस धातु का बना हुआ है, किस मैटर का बना हुआ है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं आप जो होल हुआ होगा, ये सैंपल्स लिए गए थे साइंटिस्ट के थ्रू वो करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। और ये छत्र इतना मतलब महारानी ने कहा कि महारानी ने स्वीकार ही नहीं किया, और ये किसी भी धातु का नहीं रहा। महारानी कहती अगर तूने मुझे प्रसन्न करना है तो मुझे बस एक नारियल की भेंट और चुन्नी की भेंट ला कर दो, मुझे वही बहुत है। तो महारानी की ये जो सब महारानी की लीला थी ज्वाला मैया की, जब सभी के सामने, और आज भी इस बात का प्रमाण है कि ये धातु किसी भी चीज़ का नहीं है, ना ये सोने का है, ना पित्तल का है, ना ये किसी मतलब किसी भी मैटर का नहीं है। तो बोलो जय ज्वाला मैया। ये ज्वाला मैया की जो पूरी, आप आएंगे अंदर तो ये पूरा होल बना हुआ है, जहाँ पे छत्र जो बादशाह अकबर के द्वारा चढ़ाया गया था वो रखा हुआ है आज भी यहाँ। मतलब बादशाह अकबर 1600 के उस समय का था, जब ध्यानु भगत थे और जो ज्वाला मैया थी। जय ज्वाला।
टिब्बी का जो प्रवेश द्वार है, जयकाल गाना, जयकाल जय ज्वाला। तो ये गोरख टिब्बी का जो प्रवेश द्वार है, ये आपको हम दिखाते हैं। जय ज्वाला। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमारी लाइन जो थी लगभग 3 से 4 घंटे में लग जाते, लेकिन महामाई ने पता नहीं कैसे हमें एकदम आगे निकाल दिया, और हम लगभग हम 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचा दिया महामाई। तो ये महामाई की कृपा है, महामाई का प्यार अपने बच्चों के लिए। महामाई ऐसे सबको खुश रखे। वापिस तो कैब से अब हम जाएंगे ऊना। 3-4 घंटे की दिख रही थी लाइन, बट वो 10 मिनट में हो गया। माता रानी ने ऐसी कृपा दिखाई, 10 मिनट में हम नीचे आ गए। गोलगप्पे खाने लगे हैं बाहर आए। गोलगप्पे तो हम छोड़ते नहीं ना, कहीं भी जाए। गोलगप्पे तो हमारी राष्ट्र वो है, नेशनल फूड हमने घोषित कर रखा घर का। देखते हैं कैसे है। जा रहे हैं वापस सुबह के अंदर बहुत ज़्यादा, और लोग लोग सब भूल जाओ। सो गुड नाइट, टेक केयर। मेरी ट्रेन में बस इतना बताना था कि अब रुकड़ी जाएगी तो क्षेत्र जाएगी, सुपरफास्ट है, जल्द स्टॉप भी इस्तेमाल। जब इधर से भी से आए हैं आप लोग, आप उनसे तो बुक कर लेना, नहीं तो भी सुनेगा।